वेलकम टू स्वरा एंटरटेनमेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं रसमलाई की रेसिपी शेयर करूंगी। तो घर पे कैसे रसमलाई बनाते हैं फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैं 1.5 लीटर दूध ली हूँ और कच्चा ही दूध लेना है फ्रेंड्स। मैं पहले इसको उबाल लेती हूँ, तो रखती हूँ गैस पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम गैस पे दूध रख दिए हैं उबलने के लिए। जब तक उबाल आता है तब तक के लिए मैं रख देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध गर्म हो गया है। मैं 5 मिनट तक के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम 2 चम्मच विनेगर लिए हैं, तो इसमें मैं 4 चम्मच पानी डालूंगी और मैं इसी से फारूंगी। तो इसमें 4 चम्मच पानी डाल दे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम 4 चम्मच पानी डाल दिए। मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, एक बार नहीं सारा पानी डालूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा पहले डालेंगे इसमें इस तरह से। देखिए हमारा फट रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डाले और देखिए मेरा कितना अच्छा फट गया। देखिए, देख सकते हैं आप लोग। तो मैं थोड़ा देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं कपड़े में छानूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम कपड़ा ले लिए हैं, मैं इसमें पनीर छानूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरह से इसमें गिराएंगे धीरे धीरे करके। तो मैं सारा गिरा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम कपड़ा में सारा छान लिया। मैं इसको ठंडे पानी से धोऊंगी ताकि इसका खट्टापन निकल जाए, जो मैं विनेगर से फा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम ठंडा पानी डाल के अच्छे से धो लूँगे। तो मैं धो के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, जितना पानी निकलेगा उतना दबा दबा के मैं निकालूंगी। तो देखिए, जब तक इसका पानी कितना बंद नहीं होगा तब तक मैं दबा दबा के निकालूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें से टप टप पानी निकल रही है। तो मैं 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही टांग के किस जगह पे छोड़ दूंगी ताकि इसके सारा पानी निकल जाए। फिर 2 घंटे बाद दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा 2 घंटा हो गया है छेना को फाड़े हुए। देखिए इसका एकदम पानी निकल गया है फ्रेंड्स। तो मैं इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तब तक मैं दूध को चाशनी बना लेती हूँ दूध वाला। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम 1.5 लीटर दूध लिए हैं, गैस पे रख दी हूँ गर्म करने के लिए। और मैं ये पिस्ता 7-8 काट ली हूँ और मैं दूध में डाल दूँगी। तो देखिए हम डाल दिए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें केसर डालेंगे। तो देखिए हम थोड़ा सा केसर डाल दिए, इससे कलर आएगा रसमलाई में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें 50 ग्राम चीनी डाल रहे हैं। तो ये देखिए, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, जितना आपको पसंद होगा मीठी उतना ही डालें फ्रेंड्स। तो मैं इसको उबाल लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कलर तो केसर डालने से हल्का चेंज हुआ है, लेकिन मार्केट जैसे हमको बनाना है ना फ्रेंड्स। तो मैं इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ फ्रेंड्स। मेरे पास फूड कलर अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं हल्दी पाउडर डाली हूँ। इससे भी मेरा काम चल जाएगा। हल्का पीली हो गई है फ्रेंड्स, मार्केट जैसी। देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध उबल गया है अच्छे से, एकदम बढ़िया। तो मैं अब कर दूँगी गैस के बंद। अब मैं रसमलाई बनाने की तैयारी करती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम ले लिए हैं पनीर छेना को एक प्लेट में। मैं इसको ऐसे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में मैं तोड़ूंगी इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको हथेलियों से ऐसे ऐसे 5 मिनट तक मैश करूंगी फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से 5 मिनट तक हमको ऐसे ऐसे हथेलियों से करना है। तो मैं करके दिखा। ये देखिए फ्रेंड्स, हम 5 मिनट तक इसको अच्छे से मैश लिए हैं। और मैं इसमें 1 चम्मच कॉर्न फ्लावर डाल रही हूँ। ज़्यादा नहीं डालना है फ्रेंड्स, 1 ही चम्मच डालना है। जैसा आपका होगा छेना, उस हिसाब से डालेगा। तो मेरा थोड़ा सा है तो मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम डाल दिए हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम छोटा सा लोई ले लिए फ्रेंड्स। मैं इसको ऐसे ऐसे गोल गोल करूँगी, गोल गोल करके एकदम स्क्रेच थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, नहीं तो हमारे रसमलाई फट जाएंगे चाशनी में। तो मैं इसको गोल कर ली हूँ और बीच से ऐसे दबा दूँगी रसमलाई की शेप में। तो देखिए हम दबा दिए हैं और मैं इसको
ये अभी देखने में छोटी है, जब चाशनी में जाएगी तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी फिर। तो फिर मैं दूसरा लेती हूँ, देखिए इस तरह से गोल कर लिए फ्रेंड्स। मैं इसको ऐसे दबा दूंगी, इसी तरह से मैं सारा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हम सारा रसमलाई बना के रख ली हैं, तब मैं चलती हूँ चाशनी की ओर। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम कढ़ाई ले लिए हैं, अब मैं कढ़ाई को गर्म करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें चीनी डालेंगे, मेरा 2 कप चीनी है फ्रेंड्स। तो 2 कप हम चीनी डाल दिए, 1 कप चीनी में हम 4 कप पानी डालेंगे। तो मेरा 2 कप है चीनी, तो मैं 8 कप पानी डालूँगी, तो पानी डाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम 8 कप पानी डाल दिए हैं, मैं इसको खोलने तक के इंतज़ार करती हूँ। जब मेरा चाशनी खोलेगा तब मैं इसमें डालूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा चाशनी खोलने लगा है, देखिए इस तरह से। अब मैं इसमें डालूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम एक एक करके इस तरह से खोलते चाशनी में डालूँगी, देखिए कैसे तैरने लगा फ्रेंड्स। तो मैं सारा डाल के दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से हमें डालना है, देखिए डाल के पूरा मैं दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें धीमी आंच बिल्कुल भी नहीं करनी है, तेज़ आंच पे ही हमें पकाना है। तो देखिए मैं सारे डाल रही हूँ, कितने छोटे छोटे थे फ्रेंड्स, अभी से इतने बड़े बड़े मेरे रसमलाई होने लगे फ्रेंड्स। तो मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, तो मैं इसको ढक देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इसको इस तरह से ढक दिए और मैं 5 मिनट तक पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, हम 5 मिनट तक ढक लिए हैं, और फिर से मैं इसको ऐसे पलट दूँगी दूसरे साइड से, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े हल्के हल्के हिलाऊंगी, और फिर से मैं 5 मिनट के लिए ढक दूंगी। तो यानी कि पूरा मिला के 10 मिनट तक हमको पकाना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फिर से 5 मिनट हो गया है, यानी कि 10 मिनट। अब मैं करूंगी गैस को बंद, तो मैं अब इसको बंद कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा रसमलाई बन गया है। मैं इसको अब गैस को बंद कर दी हूँ, और मैं इसको 5 मिनट के लिए ढक के ऐसे ही छोड़ दूँगी चाशनी में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम ढक दिए हैं, फ्रीज का एकदम ठंडा पानी लिए हैं, और मैं सारे रसगुल्ले निकाल के इसमें डाल दूँगी ठंडे पानी में, और 5 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हम डाल के दिखाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम डाल को आपको दिखाते हैं किस तरह से डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम निकालेंगे और ठंडे पानी में डाल दूँगी। तो मैं सारा डाल के दिखाते हैं।